नंबर के आरंभ में विद्यालय में ट्री गोइंग कंपटीशन का आरंभ, जिसमें नर्सरी ए से लेकर के सीनियर क्लासेस तक के छात्र और छात्राओं ने प्रतिभाग किया हुआ है, और इन सभी छात्र छात्राओं के द्वारा गमलों में जो वृक्ष है वो रोपित किए जा रहे हैं। बच्चे अपने अपने अनुसार, अपने अपनी सोच के अनुसार वृक्षों को लेकर के आए हुए हैं, जो गमलों में रोपित करेंगे और इनकी देखरेख का कार्य भी ये स्वयं करेंगे। कितना इनको जल देना है, कितना क्या करना है, नर्सरी ऐसे बच्चे हैं जो अपने अनुसार वृक्ष लाए हुए हैं। इसी प्रकार से अन्य क्लासों के भी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अपने अपनी सूझबूझ के अनुसार वृक्षों का चयन किया हुआ है, और ये वृक्ष चयन करने के उपरांत इनकी देखरेख जैसे आवश्यकता के अनुसार खाद, जरूरत के अनुसार पानी, कितनी धूप या छाया की आवश्यकता है, समस्त चीज़ों का पूर्ण रूप से ये सभी छात्र छात्राएं पूरा ध्यान रखेंगे। और इसके पश्चात इन सभी छात्र छात्राओं के जब वृक्ष तैयार होंगे तो इनको टोटल 2 माह 15 दिवस का समय दिया गया है। इन 2 माह 15 दिवस के उपरांत इन सभी छात्र छात्राओं के द्वारा रोपित किए गए वृक्षों का जांच की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा। इसमें जो वर्ग हैं वो वर्ग इस प्रकार से लिए गए हैं, प्ले वर्ग, प्राथमिक वर्ग, जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग। तो अलग अलग वर्गों में फर्स्ट सेकेंड थर्ड की पोजीशन प्राप्त करने वाले बच्चों का चयन किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे सभी छात्र छात्राओं के द्वारा अपने अपने गमलों में बड़े ही सुंदर सुंदर बच्चों का उन्होंने चयन किया है, उनको रोपित करने का कार्य बच्चों ने शुरू कर दिया है। और कुछ बच्चे रोपित कर चुके हैं, कुछ अपनी मिट्टी क्लियर कर रहे हैं। तो ये बच्चों के द्वारा आज के दिवस इस प्रथम तारीख पर 1 नवंबर के जो है शुरुआत पर ही बच्चों के द्वारा इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना और एक अलग तरीके से स्वयं को स्थापित करने के एक अनूठी पहचान बनाने का प्रयास करने का एक सुंदर अवसर इन बच्चों को मिला है, जिसमें सहभागिता करके उस काम को ये अंजाम तक पहुंचाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। कुल 171 छात्र और छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया हुआ है, जिसमें से गमले विद्यालय की ओर से और गमलों में जो बच्चों के नाम अंकित किए गए हैं वो भी बच्चों के द्वारा सिर्फ अपने पसंद के वृक्षों को लाया गया है, जो कि बच्चे यहाँ पर रोपित कर रहे हैं।